हेरा फेरी 3 ने रिलीज से पहले ही काफी सारा कोहराम मचा दिया है, लोगों में अफरा तफरी मचा दी। परेश रावल के ट्वीट ने कि कार्तिक आर्यन फिल्म का हिस्सा है एंड ही हैज रिप्लेस्ड नन अदर देन राजू, यानी कि अपने अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का भी एक इंटरव्यू आया था कि भाई मैं स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, फलाना ढिमका। कुछ लोग बोल रहे थे कि अक्षय कुमार ने 90 करोड़ रुपए मांगे हैं, 30 में तो कार्तिक आर्यन कर रहे हैं, लेकिन सुनील शेट्टी केम एज अ सेवियर ऑफ हेरा फेरी 3। और उनका जो लास्ट इंटरव्यू था अराउंड हेरा फेरी एंड हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट, वो भी तो एक मूवी कर रहे हैं ना भाई, धारावी बैंक, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे, तो लोगों ने इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया नहीं धारावी बैंक में। बातें हो रही थी हेरा फेरी 3 की, तो उन्होंने कुछ थ्योरीज बताई। उनका कहना है कि हाँ स्क्रिप्ट मैंने भी पढ़ी, आई डिड नॉट फाइंड इट उतना ज्यादा क्रीमी जितना हमारी हेरा फेरी थी। हेरा फेरी का सेकंड पार्ट था एंड अक्षय को भी वही प्रॉब्लम थी, मुझे भी वही प्रॉब्लम थी, लेकिन नाउ फिरोज नाडेवाल इज डेवलपिंग इट अगेन, दोबारा डेवलप कर रहे हैं। एंड यस देयर इज अ कार्तिक आर्यन इन दिस मूवी, बट ही इज नॉट रिप्लेसिंग राजू, राजू को रिप्लेस नहीं कर रहे। कार्तिक का जो कैरेक्टर है मैंने पढ़ा है वो डेवलप किया जा रहा है इसमें, वो एक नया कैरेक्टर होगा और आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट मोर, लेकिन ये कैरेक्टर काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है मूवी के पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये मत सोचना कि राजू को रिप्लेस कर रहे हैं कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन इज अनदर कैरेक्टर जो आपको आने वाली सीरीज में बहुत मजेदार चीज देने वाला है। मतलब यहाँ से तो समझ में आ गया कि हेरा फेरी 3 पे भी नहीं रुकेगी, बात तो जाएगी हेरा फेरी 4 पर। और बस अब इतना रह गया है कि जैसे ही अच्छी स्क्रिप्ट आती है, जैसे ही राइटिंग के जितने भी नुक्स थे वो निकल जाते हैं, तो ये चीज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी हेरा फेरी के फैन थे, राजू के फैन थे, राजू श्याम और बाबूराव की तिगड़ी के फैन थे, भाई आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ फिरोज नाडेवाला इज डेवलपिंग गुरु गुलाब खत्री एंड राजू अगेन, राजीव इज फ्रॉम वेलकम एंड गुरु गुलाब खत्री इज फ्रॉम आवारा पागल दीवाना। भाई मैं तो कह रहा हूँ मजे आ जाने वाले हैं, क्योंकि भाई ये वाली ना फनी स्टोरीज, ये वाली कॉमेडी मिसिंग थी काफी सालों से, तो अब देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई कार्तिक अगर रिप्लेस करते हैं अक्षय तो क्या मूवी का असर रहेगा आप पर, या फिर अक्षय आते हैं कार्तिक का अलग कैरेक्टर डेवलप होता है तो क्या रहेगा। टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, तब तक आप सभी को अलविदा।